डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है वो हमने जो डिस्कस करना है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन्स। तो बेटा, अगर हम अल्काइन्स को देखें तो इनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, s करैक्टर 50% होता है। 50% होने की वजह से इसमें दूसरा यह ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करीब करीब होती है, तो इसके जो पाई बॉन्ड हैं वो दो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करीब होने की वजह से पाई बॉन्ड जो है वो लेस डिफ्यूज्ड पाई बॉन्ड होगा। अगर बेटा लेस डिफ्यूज्ड पाई बॉन्ड है तो इनके अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, लेकिन उसका अटैक या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिलेटिवली क्या होगा, दैट इज स्लो। ऑल्दो इसमें दो पाई बॉन्ड हैं, दो दो मॉलिक्यूल ऐड होने हैं, लेकिन रेट स्लो क्यों है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रांग होती है, एस करैक्टर ज़्यादा है, पाई बॉन्ड लेस डिफ्यूज होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के दरमियान होती है। तो ये बेटा शार्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन इज लेस देन दैट ऑफ अल्कीन, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले है हाइड्रोजिनेशन। रिएक्शंस हम शुरू करने लगे हैं, उनमें पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, एडिशन रिएक्शंस है। बेटा हमने अल्काइन के जो रिएक्शंस पढ़ने हैं वो दो दो स्टेप में होते हैं। सबसे पहले इथाइन है आपके पास, इसकी हाइड्रोजिनेशन करवानी है। हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजिनेशन करवानी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कैटालिस्ट, उसके लिए हम यूज़ करेंगे निकल 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और प्लैटिनम और प्लेडियम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉस्टली हैं, उसकी जगह निकल यूज़ करेंगे। तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल। जब डबल हो जाएगा तो जो इथाइन है वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में जब इथीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड है, फर्दर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, दो दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, वही कंडीशन रहें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इथेन के अंदर। तो इथाइन इथीन में बना और इथीन जो है वो किस में चेंज हो गया, इथेन में। ये अमल क्या कहलाएगा, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट जो डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्काइन के अंदर, वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन अब क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हैलोजिनेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन्स टू अल्काइन इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। तो बेटा हैलोजिनेशन करवाने के लिए F2 का रिएक्शन कैसा होता है, विगुरस, ये शदीद होता है। I2 का रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। और ये क्लोरीन का और ब्रोमीन का रिएक्शन क्या होता है, दैट इज मॉडरेट, ये दरमियानी रफ्तार पर होता है। लेकिन इसमें भी कितने मॉलिक्यूल ऐड होने हैं, दो दो मॉलिक्यूल। तो हम ये देखते हैं, से आपके पास है इथाइन का मॉलिक्यूल, इथाइन की हैलोजिनेशन करवानी है, तो एक साइड पे एक Cl, पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्रिपल से क्या हो जाएगा, डबल, एक एक Cl लग जाएगा, इसका नाम होगा 1,2-dichloroethene, 1,2-dichloroethene, इथाइन से क्या बन जाएगा, 1,2-dichloroethene। जब बेटा ये 1,2-dichloroethene बन जाएगी, इसमें फर्दर हैलोजन ऐड किया जाए तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल। जब बेटा डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा
दो कलोरीन पहले लगी हुई थी, तो दो कलोरीन फर्दर आके लग जाएंगी, ये क्या बन जाएगा, इट विल प्रोड्यूस 1-1, 1-1, 2-2 टेट्राक्लोरो इथेन, 1-1, 2-2 टेट्राक्लोरो इथेन। अब बेटा नेक्स्ट जो है हैलोजिनेशन के बाद हम पढ़ते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन। व्हाट इज कॉल्ड एज हाइड्रोहैलोजिनेशन? हाइड्रोहैलोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो उसमें हैलोजन एसिडम लेकर आएंगे, HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो रिएक्टिविटी के हिसाब से अगर हम ऑर्डर देखें, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोहैलोजिनेशन अगर हमने करनी हो, से आपके पास इथाइन मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को ऐड करना है। पहले हम क्या करेंगे, एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड होगा और दूसरी साइड पे हैलोजन जाके ऐड हो जाएगा कार्बन के साथ। तो ये जो इसका ट्रिपल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, डबल। एक साइड पे हाइड्रोजन लग गया, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ था, इधर हैलोजन लग जाएगा, ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। जब बेटा ये विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, अब ये विनाइल क्लोराइड बन चुका है, इसके पास फर्दर हम HCl लेकर आएंगे। अब ये क्या हो गया है, अब ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, एक के पास दो हाइड्रोजन, एक साइड पे एक हाइड्रोजन है, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल नेगेटिव एंड उधर जाके लगता है जिधर हाइड्रोजन की तादाद क्या होती है, कम। तो ये CH2 है, ये अब क्या हो जाएगा CH3। जब बेटा ये CH3 हो जाएगा, अगला C के साथ ऊपर H है, इसके साथ एक Cl ऑलरेडी लगा हुआ था, एक और Cl आके लग जाएगा, इसका नाम होगा 1-1-डाइक्लोरोइथेन, इसका नेम आ जाएगा 1-1-डाइक्लोरोइथेन, ये इसका बेटा नेम आ जाएगा 1-1-डाइक्लोरोइथेन। तो ये किस रूल के जरिए लगा है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन के बाद, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अगला जो हमने पढ़ना है वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। हाइड्रा मीन वाटर, और ये किसकी मौजूदगी में होता है, मर्क्यूरस सल्फेट प्लस 10% H2SO4, 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होगा। इथाइन के पास हम क्या करेंगे, ये फार्मूला है इथाइन का, और इथाइन के पास हम क्या लेकर आते हैं, वाटर। तो किसकी मौजूदगी में, HgSO4 की मौजूदगी में एंड H2SO4 की मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरस सल्फेट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। एक साइड पे H लगेगा, एक साइड पे OH लगेगा, तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा, H लगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये 2H हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल हो जाएगा, इसके साथ H लगा हुआ था और आके OH लग जाएगा, ये बन जाएगा विनाइल अल्कोहल। ये बेटा ये जो विनाइल अल्कोहल बनेगा ये अनस्टेबल होता है। तो ये विनाइल अल्कोहल जो बना हुआ होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा, ये खुद को क्या करेगा, रीअरेंज। रीअरेंज बेटा किस तरह से करेगा, इस ओ के साथ एच लगा हुआ है विनाइल अल्कोहल, क्योंकि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने की वजह से इसने खुद को क्या करना है, रीअरेंज। जब बेटा ये रीअरेंज होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगी यहाँ से, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड आगे चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ गया, तो इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा डबल, ऊपर लगा हुआ था H, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, इस पर मनफी चार्ज जाएगा और इसको मनफी को खत्म करने के लिए ये वाला H इसके साथ जाके लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इट विल प्रोड्यूस एसीटैल्डिहाइड।
एसीटाइल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड बना। बेटा अगर यही रिएक्शन हम प्रोपाइन के साथ करवाते CH3C CCH, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। इसके पास अगर हम वाटर ऐड करते HgSO4 एंड H2SO4, तो फिर क्या होना था, फिर मार्कोवनिकोव रूल लगना था, हाइड्रोक्सल उधर लगना था जिधर हाइड्रोजन की तादाद कम है, तो ये बन जाना था CH3C, इसके साथ OH लग जाना था हाइड्रोक्सल, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम थे, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा डबल, तो इसका नाम क्या होगा, H के साथ और H आके लग जाएगा डबल हो जाएगा, इसका नाम होगा 2-propynol, इसका नाम होता है 2-propynol, 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सल लगा हुआ है, ये 2-propynol अनस्टेबल होगा, O के साथ H लगा हुआ है डबल बॉन्ड CH है, अब हम CH2 है, अब ये क्या करेगा, अनस्टेबल होने की वजह से रीअरेंज होगा, और जब इसने रीअरेंज होना है ये वाला जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड टूटेगा, H निकलेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल से बढ़कर क्या हो जाएगा डबल, और ये वाला बॉन्ड आगे चला जाएगा और इस पर कुछ ने अटैक करना है, कार्बन पर मनफी चार्ज आएगा, मनफी को ख़त्म करने के लिए उसके साथ H लग जाएगा, CH3 हो जाएगा, इसका नाम होगा एसीटोन, या इसको प्रोपानोन भी बोलते हैं। तो बेटा जब भी हाइड्रेशन अल्काइन की जाए, ऑलवेज हमेशा सारे अल्काइन्स जो हैं दे प्रोड्यूस कीटोन सवाए इथाइन के, जो कि क्या बनाता है एल्डिहाइड, सवाए इथाइन के सारे जो अल्काइन हैं दे प्रोड्यूस कीटोन, अमल क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अस्सलाम वालेकुम, तो बेटा नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे है वो है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा कौन, दैट इज कॉल्ड एस इथाइन। इथाइन का अमोनिया के साथ बेटा जब भी रिएक्शन करवाया जाता है एलुमिना की मौजूदगी में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होता है, ये बेसिकली ये कार्बन के साथ N लगेगा, साइनाइड बन जाता है, साइनाइड का बॉन्ड ट्रिपल होता है, और इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन लगते हैं, ये CH3 बनता है, इसका नाम होता है मिथाइल नाइट्राइल, या इसको एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल, और साथ कौन सी गैस पैदा होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब नेक्स्ट वन जो है बेटा, जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ा है वो है रिएक्शन विद अमोनिया, और अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है, अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है इथाइन एलुमिना की मौजूदगी में, तो बेसिकली क्या होता है, सी के साथ एन लगेगा और इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन लगेंगे, सात हाइड्रोजन निकलेगी, जो प्रोडक्ट बनेगी उसको मिथाइल नाइट्राइल या उसको एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल। अब नेक्स्ट रिएक्शन विद है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN। हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो उसके साथ जब रिएक्ट करेगा इथाइन HCN के साथ, किसकी मौजूदगी में, अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में और क्यूप्रस क्लोराइड की मौजूदगी में, और साथ हीट किया जाता है, हीट करने पर ये रिएक्शन होगा, तो एक साइड पे H लगेगा, यस ये CH2 हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा डबल CH हो जाएगा, और उसके साथ CN जाके लग जाएगा,
तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी इसको नाम देंगे बेटा, ये एक एसिड से बनी हुई है, एसिड होता है CH2CH COOH, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्रिलिक एसिड। तो एक्रिलिक एसिड से बना हुआ है, इस वजह से इसको एक्रिलो नाइट्राइल भी बोलते हैं, एक्रिलो नाइट्राइल या एक्रिलो साइनाइड भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन जो आज का हमने पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन की ऑक्सीडेशन कैसे की जाती है? से आपके पास बेटा मौजूद हो क्या इथाइन? इथाइन के पास 2HOH, हम वाटर मॉलिक्यूल लेकर आए, नेसेंट ऑक्सीजन आए, टू नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन किससे आएंगी? पोटाशियम परमैंगनेट से, KMnO4 के जरिए। बेटा ये दो हाइड्रोक्सल ये हैं और दो ही हाइड्रोक्सल ये हैं एटॉमिक ऑक्सीजन वाले। तो बेटा ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल एच एच, एक ओ एच इधर लग जाएगा, एक ओ एच इधर लग जाएगा, एक ओ एच इधर, एक ओ एच इधर। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हम ये भी लिख सकते हैं 1-1-2-2 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन, 1-1-2-2 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। बेटा ये जो 1-1-2-2 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन बना हुआ है, ये इसमें से वाटर एलिमिनेट होगा। किस तरह से ये रिएक्ट करेगा नेक्स्ट स्टेप में? इसमें से ये H और OH निकल जाएगा, ये H और OH निकल जाएगा, ये भी वाटर, ये भी वाटर। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुए इसमें से? 2H2O प्लस ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हो जाएगा डबल, अगला भी डबल हो जाएगा, साथ H लगा होगा। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज द फार्मूला ऑफ, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लाइऑक्सल। ये क्या बन चुका है? ग्लाइऑक्सल। बेटा इस ग्लाइऑक्सल जो बनेगा, ये इसके पास O है, H है, C डबल बॉन्ड O है, H है, इसके पास फर्दर नेसेंट ऑक्सीजन आए, किससे आएंगे? KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट के जरिए। तो फिर क्या होगा? एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर भी OH, इधर भी OH, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सालिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि कन्वर्ट करो इथाइन को ऑक्सालिक एसिड में। और बेटा हमने इथाइन से पहले ग्लाइऑक्सल बनाया और ग्लाइऑक्सल से क्या बना लिया? ऑक्सालिक एसिड। ये अक्सर आ जाता है, कन्वर्ट करो इथाइन को ऑक्सालिक एसिड में। और ये टेस्ट भी इस्तेमाल होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइंस। तो इसके जरिए भी अल्काइंस को आइडेंटिफाई करते हैं। और पहले हमने हाइड्रेशन वाला पढ़ा, हाइड्रेशन वाले मेथड के जरिए भी हम अल्काइंस को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है वो है पॉलीमराइजेशन, उसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।